حضرات علالت کی وجہ سے، کچھ دواؤں کی مجبوریوں کی وجہ سے مجھے شروع میں پڑھ کر کے جانا ہے، دل تو نہیں چاہ رہا ہے، آپ سبھی حضرات کو سننے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہے اور سرور بھائی کا حکم تھا اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سبھی کو معلوم ہے میں کہیں آج کل کسی پروگرام میں شرکت میری نہیں ہو رہی، سب کچھ ہے، اور جیسے ہی وہاں سے روڈ سے داخل ہوئے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ اس جذبے کو مولا قائم رکھیں، اور سرور بھائی نے بتایا کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کل انشاءاللہ دیکھیے گا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بہت بڑی کمی وہ ہے انور نواب صاحب انور مرحوم، اور ان کی سرپرستی میں اس انجمن نے بہت لمبا سفر کیا ہے، اور ہم لوگوں کی جو رہنمائی کی انہوں نے اور ہم لوگوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، آپ سبھی حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم تین مرتبہ قل و اللہ کی تلاوت کر کے عیسیٰ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن، الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد، ایک نعرہ صلوات پڑھیے آپ، ایک مطلب تین چار شعر حاضر کر رہا ہوں، اور یہ شعر میں نے ابھی کہیں نہیں پڑھے ہیں، پہلی بار میں بہت آسان لفظوں میں چھوٹی سی، کہ زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، انجمن کا سلسلہ شب بھر چلتا ہے، وہ اتفاق سے آخری شب میں سحر کے وقت ہماری انجمن کا نمبر آئے گا، جی، زمیں چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، اور جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، جہاں سے بند ہو جائیں گے رستے، میرے بچوں وہاں سے گھر چلیں گے،
जहां से बंद हो जाएंगे रास्ते, जहां से बंद हो जाएंगे रास्ते, जहां से बंद हो जाएंगे रास्ते, मेरे बच्चों वहां से घर चलेंगे। जहां से बंद हो जाएंगे रास्ते, मेरे बच्चों वहां से घर चलेंगे। जहां से बंद हो जाएंगे रास्ते, मेरे बच्चों वहां से घर चलेंगे। और वफा को मिल नहीं सकती है मंजिल, वफा को मिल नहीं सकती है मंजिल, न जब तक फूल कांटों पर चलेंगे। वफा को मिल नहीं सकती है मंजिल, न जब तक फूल कांटों पर चलेंगे। तो ये इस सिलसिले का आखिरी शेर शोरा हजरत में पढ़ रहा हूँ, शीश महल में पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए नैयर साहब। क्या गिलाफ़े खाने काबा जला है, गिलाफ़े खाने काबा जला है, हरम तक हम भी बेचादर चलेंगे। गिलाफ़े खाने काबा जला है, हरम तक हम भी बेचादर चलेंगे। गिलाफ़े खाने काबा जला है, हरम तक हम भी बेचादर चलेंगे। और ज़मीं छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, जो हम ठहरे हमारे सर चलेंगे। एक मतलब चार शेर और। आँखों में अश्क बन के हमेशा रहूँगा मैं, आँखों में अश्क बन के हमेशा रहूँगा मैं, तश्ना लबी के बाद भी दरिया रहूँगा मैं। आँखों में अश्क बन के हमेशा रहूँगा मैं, तश्ना लबी के बाद भी दरिया रहूंगा मैं। क्या मतलब है? आँखों में अश्क बन के हमेशा रहूंगा मैं, तश्ना लबी के बाद भी दरिया रहूंगा मैं। ओ सच बोल तो रहा हूँ मगर ये भी है पता, सच बोल तो रहा हूँ मगर ये भी है पता, दुनिया में इसके बाद अकेला रहूंगा मैं। सच बोल तो रहा हूँ मगर ये भी है पता, दुनिया में इसके बाद अकेला रहूंगा मैं। सच बोल तो रहा हूँ मगर ये भी है पता, दुनिया में इसके बाद अकेला रहूंगा मैं। और फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, कितना भी टूट जाऊं महकता रहूंगा मैं। फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, कितना भी टूट जाऊं महकता रहूंगा मैं। फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, कितना भी टूट जाऊं महकता रहूंगा मैं। सरवर भाई नहीं साहब, कि सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं।
सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं। सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं। फूलों से मैंने सीखा है जीने का फलसफा, कितना भी टूट जाऊं महकता रहूंगा मैं। सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं। सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं। और जब तक ना आसमान बनेगी मेरी ज़मीन, जब तक ना आसमान बनेगी मेरी ज़मीन, जख्मों से चूर खाक पर बैठा रहूंगा मैं। जब तक ना आसमान बनेगी मेरी ज़मीन, जख्मों से चूर खाक पर बैठा रहूंगा मैं। और तूफान मेरे घर के बुझा दे सभी चिराग, तूफान मेरे घर के बुझा दे सभी चिराग, इतना मैं जानता हूं उजाला रहूंगा मैं। सूरज बदन में धूप के नैजे उतार दे, फिर भी मुझे यकीन है साया रहूंगा मैं। जब तक ना आसमान बनेगी मेरी ज़मीन, जख्मों से चूर खाक पर बैठा रहूंगा मैं। और तूफान मेरे घर के बुझा दे सभी चिराग, इतना मैं जानता हूँ उजाला रहूंगा मैं, इतना मैं जानता हूँ उजाला रहूंगा मैं। मेरे ख्याल में एक सलाम के एक एक मतलब खुद अपने खून का साया भी दोपहर भी हुसैन, खुद अपने खून का साया भी दोपहर भी हुसैन, शहादतों का मुसाफिर भी और शजर भी हुसैन। खुद अपने खून का साया भी दोपहर भी हुसैन, शहादतों का मुसाफिर भी और शजर भी हुसैन। और कयामे सब्र भी और सब्र का सफर भी हुसैन, कयामे सब्र भी और सब्र का सफर भी हुसैन, खुद अपने सब्र की मंजिल भी रह गुजर भी हुसैन। कयामे सब्र भी और सब्र का सफर भी हुसैन, खुद अपने सब्र की मंजिल भी रह गुजर भी हुसैन। और समातों में रसूलों की गूंजता ऐलान, समातों में रसूलों की गूंजता ऐलान, खबीर कलमाए तौहीद भी खबर भी हुसैन। समातों में रसूलों की गूंजता ऐलान, खबीर कलमाए तौहीद भी खबर भी हुसैन। कयामे सब्र भी और सब्र का सफर भी हुसैन, खुद अपने सब्र की मंजिल भी रह गुजर भी हुसैन। समातों में रसूलों की गूंजता ऐलान, खबीर कलमाए तौहीद भी खबर भी हुसैन। और हुसैन बाद मोहम्मद भी कायमो बाकी, हुसैन बाद मोहम्मद भी कायमो बाकी, वजूद हजरत आदम से पेशतर भी हुसैन।
حسین بعد محمد بھی قائم و باقی، وجود حضرت آدم سے پیشتر بھی حسین، حسین بعد محمد بھی قائم و باقی، وجود حضرت آدم سے پیشتر بھی حسین، اور وہی چراغ، چراغوں کی روشنی بھی وہی۔